एक ऐसे वक्त पे जब ममता बनर्जी खुद दिल्ली में हैं और प्रधानमंत्री से लेकर सोनिया गांधी के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है, अब की बार दीदी सरकार ट्विटर पे ट्रेंड कर रही है और हमारे साथ तृणमूल के सीनियर लीडर मदन मित्र हैं जो खुद सोशल मीडिया पे बहुत छाए हुए हैं। सर, ये सोशल मीडिया पे अभी जो चल रहा है हैशटैग अब की बार दीदी सरकार, तृणमूल के सपोर्टर्स, तृणमूल के नेतागण भी उसको शेयर कर रहे हैं, क्या ये अब की बार दीदी सरकार क्यों अभी 2021 में क्यों ये स्प्रेड हो रहा है अभी? क्योंकि अभी दिस इज द ट्रेंड ऑफ द डे कि भारत की जनता ने ये समझ गए, उसका सामने ये साबित हो गया कि मर्डरर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मोदी, इसको लड़ने में एक ही फेस जो है जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ सकते हैं, अपना जान कुर्बानी दे सकते हैं, उसका नाम है ममता बनर्जी। और सारा देश की जितना पार्टी है, मान लीजिए कि 90% पार्टीज ऑल्सो दे आर सपोर्टिंग द मूवमेंट, द एटीट्यूड, द स्ट्रगल ऑफ ममता बनर्जी। सो नेचुरली द स्लोगन इज कमिंग आपकी बार दीदी की सरकार। लेकिन ये तो सर सुनाया सुनाया नहीं लगता, अब की बार मोदी सरकार, फिर अब की बार 10 साल बाद अब की बार दीदी सरकार। नहीं सुने, ये तो चुनाव का पहले भी स्लोगन था, लेकिन बंगाल की जनता ने कहा दिया जे नहीं, आपकी बार मोदी सरकार नहीं, बार बार हर बार बंगाल से भारत दीदी की सरकार। अगर यूनाइटेड ऑपोजिशन फॉर्म होता है तो उसमें क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ही अलायंस का लीडर हिसाब से घोषणा? ये तो मेरा कहना नहीं चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट द स्पोक्समैन ऑफ द पार्टी एंड दिस इज नॉट द डिसीजन ऑफ द पार्टी। अल्टीमेट द बॉल हैज स्टार्टेड रोलिंग, ओके, एंड द लीडर्स ऑफ द कंट्री दे आर गेटिंग यूनाइटेड, दैट इज द मेन थिंग। 1:1 फाइट शुड बी देयर। उसके लिए ममता बनर्जी अगेंस्ट नरेंद्र मोदी? देखिए, लड़ाई तो अभी 2M के हो रहे हैं, आप जो बोलिए। और वो बंदी को बात कर रहे हैं, आप तो महाराष्ट्र में देखे है कैसा वो बंदी करने को कोशिश किया। बंदी करने से कुछ नहीं होता, क्या करेगा? एक तो नहीं, मार दो तो मार दो, लेट इट बी अ कम्युनिस्ट कंट्री, लेट इट फॉलो द पाथ ऑफ चाइना। बट ये लोकतंत्र है 130 करोड़ का, पहले वैक्सीन दीजिए, खाना दीजिए, पैसा दीजिए। जय श्री राम, सारा दिन जय श्री राम और 1000 रुपया गैस की दाम, जनता नहीं मानेंगे। सर एक आखिरी सवाल, अगर कांग्रेस और तृणमूल आमने मतलब क्लोज होती है, एक अलायंस बनता है, तो फिर पश्चिम बंगाल में लेफ्ट का क्या होगा? देखिए, ये सब जो है ना पॉलिटिक्स, ये सब क्वेश्चन है, ये चलते चलते विद टाइम समझ में आएगा। क्योंकि वो जो है ना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी हम भी ना कभी हमको ना, ये चलते चलते होगा। थैंक यू सर हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ थे मदन मित्र, सीनियर तृणमूल के नेता, जिन्होंने ये कहा कि अलायंस जब होगा तब होगा, लेकिन देश और यूनाइटेड ऑपोजिशन के बहुत सारे लीडर ममता बनर्जी को ही शायद सामने रखकर अब की बार दीदी सरकार का नारा लगा सकते हैं। कैमरा पर्सन प्रबीर विश्वास के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक बांग्ला, कोलकाता।